सो यू गाइस कैसे हो आप सब अच्छे हो ना। तो सबसे पहले तो आपको मैं सारे अपडेट दिखाऊंगा जो मैंने की है। तो सबसे पहले तो मैंने अपना आइलैंड जो है एक्सपांड कर लिया है था। तो सबसे पहले हम इस क्या बोलते भाई, अरे क्या बोलते मैं भूल गया, रुको। हाँ बीट रूट सीड्स ना, हाँ, वो सबसे पहले तोड़ दूँ। बीट रूट हो रहा गाइस। भाई मेरा आर्मर देखो, पूरा आयरन का मैंने बना लिया है। और भाई देखो तो सबसे पहले तो मैं ये कर लूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है एक मेरा क्या बोलते हैं भाई उसको, ट्री फार्म जो मैंने ऑफलाइन बनाया था, तो ताकि हमें वुड्स की कमी ना पड़े। तो सबसे पहले आज हम उसी को कंप्लीट करने वाले हैं। और मेरे पास एक ही डायमंड पड़ा है भाई, बस डायमंड दे दो। एक बार मेरे पास स्वॉर्ड आ गई ना डायमंड की, फिर कोई चिंता नहीं यार। ऑल राइट गाइस, तो मैंने पूरा कर लिया है, आप देखिए कैसा लग रहा है और कमेंट्स में बताएं मैं और क्या क्या करूँ। तो सबसे पहले मैं इसको फेंस अप करने वाला हूँ ताकि हम यहाँ से गिरे ना। तो गाइस मैंने पूरा कर लिया है, आप देख ही सकते हो भाई कैसा लग रहा है। अब बताओ कमेंट्स में बताओ मैं और इसमें क्या क्या चेंजेस करूँ या इसको और एक्सपांड करूँ। तो सबसे पहले यहाँ भी एक पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है, उसको भी मैं तोड़ दूँ। ये देखिए गाइस एक भूतिया पेड़, मैंने इसको तोड़ा फिर भी ये ओके गायब हो चुका है। अरे भाई क्या हो रहा। और अभी हम सबसे पहले जो जितनी भी सैपलिंग है सब लगा के आता हूँ मैं। अभी क्या करूँगा मैं, ये डायोराइट के फालतू के ब्लॉक्स मेरे पास पड़े वो सारे इधर लगा दूंगा। वैसे भी मेरे ये कुछ काम के नहीं है। अरे नीचे लग जाओ। ऑलराइट गाइस मैंने सब लगा लिया है। तो अभी हम फिर से अपने वन ब्लॉक को खोदने में लग जाते हैं। इनफिनाइट टाइम्स वो रहता ही है। अभी बस कॉबलस्टोन और डायोराइट ही मिलने जा रहा। और ये एक अजीब सा ब्लॉक। अबे स्पाइडर आ गई, स्पाइडर आ गई, मर मर, अरे मर, ओके चलो मर गई। अभी मैं क्या करूँगा, एक तीन फेंस गेट बनाऊँगा और यहाँ लगा दूँगा ताकि हमें आने जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्या बोलते हो, बना ले भाई। तो इस वुड की मैं अभी बनाने वाला हूँ जो कि है बर्च सैप, बर्च वुड वाली। अभी मैं ये सब लिंक्स भी वहाँ लगा दूँगा। चलो अभी फिर से लग जाते हैं इस ब्लॉक को तोड़ने। 3 days later. ओ भाई सुपर चेस्ट मिल गई, चलो अंदर देखते हैं क्या है। ओ माय गॉड भाई डायमंड और एक गोल्डन पिकेक्स, डायमंड काफी काम की चीज है।
गोल्ड को सेफ रख लूं भाई चेस्ट में ताकि कोई चुराए ना। अरे भाई क्रीपर कहाँ से आ गया वे फटियों मत तो। अबे यार क्या घटिया किस्मत है, गया सब कुछ आयरन वायरन लैपिस लाजुली। ओ भाई यार इस क्रीपर ने देखो यार क्या कर दिया। और तो और भाई इसने तो मेरा पिगी को भी बाहर निकाल दिया। अरे भाई चिकन तू कहाँ जा रही है, अंदर घुसो यार। क्या सब कुछ खराब कर दिया इस क्रीपर के बच्चे ने। तो अभी मैंने क्या किया है, चारों तरफ ड्राइड लगा दिया है जो भी इसको कहते हैं, और यहाँ मैं एक मॉल बनाऊंगा और ऊपर से खोदूंगा ताकि कोई आएगा ना तो हमें मार ना सके। और भाई स्केलेटन से बच के रहना है आपको कैसे भी करके भाई, उसके पास एम्बॉट है। अगर आप दीवार के उस पार भी हो गए ना और अगर जलंग लगा के देख लिया तब भी वो मारेगा ही मारेगा भाई। अभी मेरे पास एक गोल्डन पिकैक्स है, उसे तोड़ रहा हूँ मैं। सबसे पहले तोड़ लूँ। ओ भाई डायमंड आया क्या? अरे तुमने डायमंड तो दिया ही नहीं मेरे को भाई। कमेंट में बताओ ऐसा क्यों हुआ, हा? मुझे नहीं पता। और हाँ भाई मैं आप इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ऐसे वन ब्लॉक सीरीज वाली, पर आप हो कि लाइक और सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। यार सब्सक्राइब करो, मैं आपके लिए और भी ऐसी सीरीज लाऊंगा धमाकेदार ताकि आपको पसंद आए। और लाइक कीजिए इस वीडियो को, अब अभी तक आपने नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए भाई। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि बर्च वुड और ओक वुड के साथ हम घर बन लेंगे अगले एपिसोड में, ऐसा मैंने सोचा है। अब मुझे नहीं पता हम करेंगे कि नहीं, पर हाँ ज़रूर ट्राई तो करेंगे ही। और अभी तक अपने लाइक ही नहीं किया तो बता ही दिया है मैंने, कर दो भाई। तो मेरे पास फ़िलहाल बर्च वुड बहुत सारी है, जल्दी से मैं एक पिकैक्स बना लूँ स्टोन की। और मुझे एक मॉब का फार्म भी बनाना है ताकि हमें एक्सपी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती रहे। अरे अभी यार बीच आ गई, ओ नो भाई। अरे भाई ब्लॉक करो ब्लॉक करो, ओ नो बाहर निकल गई। अभी यार क्या करूँ, अभी घर में एक काम करता हूँ, घर में चलता हूँ जल्दी से ताकि वो। अरे अभी मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है, जल्दी से कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मेरे पास बीट रूट है जल्दी से खा लूँ वरना मैं मर ही जाऊँगा अंदर ही अंदर भाई। अभी यार ये नया अपडेट आया इसमें तो भाई शेप ही नहीं दे रहे भाई, बेड कैसे बनाऊँ मैं यार, ये बेकार है। पहले अच्छे थे और अभी तक तो वो वाली बायोम भी नहीं आई, क्या कहते थे उसको जो पहले वाले वन ब्लॉक में आती थी, अभी क्यों नहीं आ रही मुझे नहीं पता। तो फाइनली उसका पॉइजन इफेक्ट ख़त्म हो चुका है और मेरे पास एक चिकन भी है, वो भी खा लूँ मैं। अभी मैं सोच रहा था कि एक डायमंड पिकैक्स बनाना ही पड़ेगी क्योंकि ये एमरजेंसी है, क्योंकि वो बीच भाई चुड़ैल है, वो कुछ भी कर सकती है। तो सबसे पहले हमें ब्रेड बना लेता हूँ और खा लेता हूँ पाव पाव करके। भाई वीडियो क्या ही हो रही है। तो सबसे पहले मैं ऊपर जाके देख लूँ, अगर वो यही हुई तो मुझे बनानी पड़ेगी क्योंकि वो तो मुझे पेल देगी, ऐसे तो क्या ही मारूँगा स्टोन पिकैक्स से। ज़रा देख लूँ एक बार ऊपर जाके, अरे बेटी ये तो यही बेटी है। अरे नीचे चलो भाई भाई भाई, क्या ही चुड़ैल है गंदी वाली, फिर से पॉइजन दे दिया मेरे को, आ मत अंदर वरना। भाई यार ये ऊपर कहाँ से चढ़ी। तो गाइस मुझे मजबूरन एक डायमंड पिकेक्स बनानी थी पड़ेगी क्योंकि मैं ना डायमंड यूज़ करना चाहता नहीं था क्योंकि मैं आगे के लिए सेव करना चाहता था, पर क्या कर सकते हैं इस चुड़ैल ने अभी करवा दिया है। तो चलो अभी इसको मारते हैं इस बिच को। ये शायद मुझे इस साइड से जाना चाहिए क्या, क्योंकि वो मार भी सकती है ना, वो ऊपर ही बैठी है। भाई इसके पास भी कौन से वाले बैठे है भाई, जल्दी से मैं ब्रेड भी खा लूँ बचा कुचा जो भी है मेरे पास। अरे ब्रेड क्यों नहीं खाया तूने, खा ले भाई। और अभी तो मेरे पास मेला आयरन वाला आर्मर भी नहीं है, अभी मुझे गोल्डन वाला ही बनाना पड़ेगा।
क्या ही कर सकते हैं यार, आयरन वाला होता तो कुछ कर तो सकता एटलीस्ट में। तो मैंने एक्स्ट्रा पेयर ऑफ बूट्स बना के रखा था आयरन का, वो मैंने अभी पहन के ही रखा था ताकि वो मार ना सके। चलो अभी स्विच को तो मारना है। अरे रात भी हो गई, और ये कहाँ है वे विच? अभी ये देखो वे बेटा ना, अरे घात लगा के बैठी है, कब हम आएंगे और ये हमें पेल देगी। क्या ही भाई गंदी चुड़ैले, वीकनेस और पॉइजन ओपी भाई, क्या ही तू गंदी है बे विची विच। गाइस लगता है मुझे इसको ऑफलाइन ही मारना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और लाइक कीजिए।